हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है हमारे चैनल आरकेजी के ट्रिकवर्ड। फ्रेंड्स, ब्रेकिंग न्यूज के साथ हम आप लोगों के बीच में आ गए हैं। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं राजस्थान की सबसे बड़ी वैकेंसी रीट वैकेंसी को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। हाँ फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे होंगे थंबनेल में रीट भर्ती में होगी एक ही एग्जाम, 45,000 पदों पर आपकी ये वैकेंसी होगी और जो आपका सिलेबस है उसमें बदलाव किया जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, बदलाव शर्मा के द्वारा फैसला लिया गया है। क्या इन्फॉर्मेशन आई है आज की तारीख में, वो इन्फॉर्मेशन देखेंगे। उससे पहले हम चलते हैं आज जो इन्फॉर्मेशन है उससे पहले हम देखेंगे, आपको नंबर में बता देता हूं एक बार। आप लोग जरूर रीट वैकेंसी के ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो जरूर इन नंबरों पर आप हमें मैसेज कर देना, हम आपको रीट वैकेंसी के ग्रुप में ऐड कर देंगे। 8058813375 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पर आप हमें मैसेज कर देना। जो भी विद्यार्थी लेवल 1 और लेवल 2 की तैयारी कर रहा है जरूर हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, कोई भी दिक्कत नहीं है आपको। इस नंबरों पर मैसेज करने से हम आपको रीट वैकेंसी के ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज की जो ये न्यूज लेकर आया हूं मैं, आज की जो ये न्यूज आई है, ये जो आपका पत्रिका, जो आपका पेपर आता है, अखबार आता है राजस्थान पत्रिका, उसमें ये न्यूज है और उनके द्वारा कहा गया है कि रीट एग्जाम बेरोजगारों का कहना है कि अभी भी सिलेबस को लेकर भी संशय बना हुआ है, क्योंकि यदि कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से, सरकार की ओर से ये परीक्षा कराई जाती है तो सिलेबस में लगभग बदलाव तय है। ठीक है, तो कल की अखबार में भी ये न्यूज आई थी और आज का जो अखबार है उसमें भी यही न्यूज आई है कि एक तो आपका जो सिलेबस है उसमें बदलाव किया जाएगा। कन्फर्म श्योर हो चुका है कि बदलाव तो होगा, लेकिन आप लोग तैयारी करते रहो जो पुराना पैटर्न है उसके आधार पर, क्योंकि सिलेबस में 20-30% ही बदलाव हो सकता है, इससे ज़्यादा क्या बदलाव होगा। ठीक है, इतना हम कवर भी कर लेंगे जैसे ही आपका यह नोटिस आता है। ठीक है, सिलेबस तो कन्फर्म श्योर आपका ये बदलने वाला है, कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली है। एग्जाम को लेकर भी बात करेंगे, उससे पहले एक और ट्वीट में लेकर आया हूँ और ब्रेकिंग न्यूज के लिए साथ लेकर आया हूँ। हाँ फ्रेंड्स, जो ये ट्वीट है या आज का ही ट्वीट है और ट्वीट उनका है उपेन यादव का है, वो बड़ा बयान उनके द्वारा दिया गया है, रीट 2024 की विज्ञप्ति जल्दी ही जारी हो, इसको लेकर मैं मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करूंगा। नई फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड की डीपीसी होने के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर जारी होगी वैकेंसी, यह सरकार से मैं अनुरोध करूंगा। 60,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की थी, आपको मालूम है कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री के द्वारा यह घोषणा की गई थी, जिसमें आपका शामिल है वाहन चालक और सफाई कर्मी की भर्तियां। यह तो अलग ही है क्योंकि यह कैबिनेट में फैसला लिया गया था, लेकिन उपेन यादव से जब आज पूछा गया था, उनके द्वारा कहा गया है कि मैं जल्दी ही मुख्यमंत्री से मुलाकात करूंगा और जो रीट की जो विज्ञप्ति है उसको जारी करवाने का अनुरोध करूंगा। तो यह सबसे बड़ा ट्वीट है, आपके सामने हम लेकर आ चुके हैं। एग्जाम को लेकर भी हम बताएं, एग्जाम को लेकर आज से 3-4 महीने पहले भी यह चला था कि एग्जाम एक ही होगी, उसके बाद में हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके द्वारा और जो हमारे शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर के द्वारा कुछ भी रीट भर्ती पर नहीं कहा गया, और हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा कहा गया था कि हमने कभी ये नहीं कहा कि एक एग्जाम होगी, लेकिन कल से जो न्यूज आ रही है उसके आधार पर आपकी एक ही एग्जाम होगी, रीट भर्ती में सबसे बड़ी एक एग्जाम होगी, मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये सबसे अच्छा और सबसे शानदार मौका है 2025 में नौकरी पाने का, इससे अच्छा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा, तैयारी में लग जाओ। अगर एक एग्जाम होती है तो आपकी पात्रता को उठा दिया गया है, पात्रता जो एग्जाम होती थी उसको कैंसिल कर दिया जाएगा और रीट की एक एग्जाम होगी, और उसमें माइनस मार्किंग वाला तो अभी नहीं मालूम, वो तो होगी या नहीं होगी उसका भी नहीं पता, लेकिन कल से लगातार और जो आज का जो अपडेट आई है अखबार में उनमें भी दो महत्वपूर्ण बिंदु बताए गए हैं, एक आपकी एक एग्जाम को लेकर और एक आपकी कौन सी एजेंसी करवाएगी एग्जाम। ठीक है, और उसी के बीच में आज ये ट्वीट जारी हुआ है उपेन यादव का और उनके द्वारा कहा गया है कि जल्दी ही हम मुख्यमंत्री से मुलाकात करूंगा और विज्ञप्ति जारी करने का अनुरोध करूंगा। तो देखते हैं दीपावली से पहले आपकी ये विज्ञप्ति जारी हो सकती है, बड़ी इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, क्योंकि जो आपकी फर्स्ट ग्रेड की जो डीपीसी थी, सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड की डीपीसी, वो 25 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में आपकी वैकेंसी कंफर्म श्योर आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड नोटिफिकेशन ऑन रखना है, हर इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पूरी प्रमाणिकता के साथ आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।